इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। माइग्रेन, इसके हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये हमें डॉक्टर्स भी इवन कहते हैं कि इसकी कोई एग्जैक्ट वजह जो है वो नहीं पता, लेकिन क्योंकि इसमें एहतियात की जा सकती है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसके हवाले से प्रिवेंशन की जा सकती है, वो अपनी डाइट के जरिए की जा सकती है, ये हमें बताएंगी जवेरिया। जी जवेरिया, आज हम बात करेंगे दर्द शकीका यानी कि माइग्रेन और उसके अलावा जो सर दर्द होता है उसकी क्या वजूहत होती हैं और साथ ही साथ उसका डाइटरी रिकमेंडेशन में कैसे उसको देखा जाता है। सो यहाँ मैं बताती चलूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, साथ ही साथ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लाइक टू से दर बेतहाशा इस्तेमाल, यू कैन टेक वाटर 4 ग्लासेस इन विद एवरी मील, लाइक टू से दैट एवरेज 8 से 12 ग्लास आपकी डाइट में पानी ऐड होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब आप पानी पीते हैं तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट आउट करता है जिसकी वजह से आपको हेडेक्स या इस तरह की माइग्रेन नहीं होती। दूसरी बात यह है कि स्टॉप टेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस और उसके साथ ही साथ तमाम वो चीज़ें जो कि आपकी सर दर्द का बाइस बनती हैं उन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। यहाँ मैं बताती चलूँ कि टेक अ लॉट ऑफ Q10 विटामिन एंड कोएंजाइम, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल्स एंड इंपॉर्टेंट यू कैन से प्रोटीन्स। तो ये तमाम चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपको प्रोटीन पोर्शन से मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप अपनी डाइट में बीन्स ऐड करते हैं यानी लोबिया ऐड करते हैं, ग्रीन बीन्स, रेड बीन्स, वाइट बीन्स, इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, इवन 1 मील में भी ऐड करते हैं, तो वो भी आपकी जो बॉडी है उसमें उसकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट अप होती है, उसकी वजह से आपका जो सर दर्द जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी आती है। यहाँ मैं बताती चलूँ बहुत से लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से भी उनके सर में अक्सर दर्द रहती है या उसकी और भी बहुत सी वजूहत बनती हैं, पर हमेशा जब आप किसी भी इवन स्ट्रेस में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो यू कैन टेक बनानास, एलमंड्स, नट्स, कैशियो नट्स और ये तमाम चीज़ें जो कि आपको दर्द शकीका से दूर रखती हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ बताती जाऊँ कि सिलीनियम जो कि एलमंड्स में बहुत अच्छा पाया जाता है, जिंक जो कि बहुत अच्छा पाया जाता है, आप उसको भी अपनी डाइट में ऐड करने से इवन आप जो है उसको डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिंजर यानी कि जो जिंजर आपकी डाइट में बहुत हद तक गार्लिक और जिंजर, अदरक और लहसुन हेल्प आउट करता है आपकी माइग्रेन और यानी दर्द शकीका को स्टॉप डाउन करने के लिए। यहाँ मैं बताती चलूँ कि ब्लैक पेपर, हनी यानी जो खालिस शहद जो होता है और उसके साथ अदरक का एक स्मॉल पीस, अगर आप उसका कहवा पीते हैं तो वो भी इंस्टेंटली आपको रिलीफ देता है सर दर्द में। सेलरी लेमन जूस यानी सेलरी के पत्ते साथ में लेमन और थोड़ा सा मिंट उसमें यानी कि पुदीना, यू कैन टेक इन टू योर डाइट टू। यहाँ बताती चलूँ कि बहुत से लोग जो कि सर दर्द की शिकायत रखते हैं, अक्सर लोगों को हाइपरटेंशन होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है और उसके साथ कई डाइटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो है अपना ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और यू कैन गो थ्रू विद द हेल्दी फ्रूट आइटम्स, हेल्दी फ्रूट्स इन योर वेजिटेबल प्लेट, इन योर सैलड प्लेट, इन योर फ्रेश फूड की फॉर्म में आप ले सकते हैं। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि प्रोसेस्ड फूड्स, ओवर एज फूड्स है कि उसका टाइम ख़त्म हो गया और आप फिर भी वो गोश्त या वो मीट आइटम्स या वो मतलब यू कैन से रेंसिड ऑयल्स आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करें तो वो भी आपकी हेडेक का बाइस बनती हैं। यहाँ मैं बताती चलूँ कि डाइट में डाइट, एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी और साथ ही साथ आपका जो बॉडी मैकेनिज़म है उसको सेटल डाउन रखने के लिए और सर दर्द से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 यानी कि फ़िश लिवर ऑयल या उसके अलावा फ्लैक्स सीड ऑयल या फ्लैक्स सीड अलसी के बीज आप अपनी डाइट में गज़ाइत में शामिल करें जिसकी वजह से आप इससे बच सकें। यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोग मिथ्स और रियलिटीज़ होती हैं यानी कुछ बनी बनाई चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों का वाकई में असर होता है, तो थिंग्स आर लाइक दिस जो इसकी कॉजेज़ हो रही हैं आप उसकी वजह ना बनने दें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोसेस चीज़ों से बचें, लाइक टू सीधर जितनी वो पैकेज मिल्क हैं यानी उसके अलावा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, स्वीटनर्स या उसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जा रहे हैं या वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा मतलब ऑलवेज डिस्कार्ड द ऑल द मतलब हमेशा जो बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें या इस तरह की चीज़ें होती हैं उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इवन जब आप सी फूड की तरफ भी जाते हैं इट्स अ वेरी गुड एंड अमेजिंग फॉर द फॉर ओवरकमिंग योर हेडेक यानी आपकी सर दर्द के लिए बहुत हद तक अच्छी है, पर सर दर्द में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनका इस्तेमाल लाजमी कीजिए जो कि हमें बिल्कुल जो है सी फूड और फिश इज़ अ गुड सोर्स और उसके अलावा तमाम वो चीज़ें जो कि विटामिन ए इनरिच्ड हैं, विटामिन ई इनरिच्ड हैं, लाइक टू से दैट येलो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें कैरेट्स आ जाती हैं एंड यू कैन गो थ्रू विद द ग्रेप फ्रूट्स, ऑरेंजेस, स्पिनेज, कोलैड्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको आपका जो हेडेक है उसको स्लो डाउन या स्टॉप डाउन करती हैं।
कच्चे आलू का जूस भी बहुत ज़बरदस्त होता है हेडेक को कम करने के लिए, और साथ ही साथ वो लोग जो कि दिल के अमराज का शिकार है और साथ में यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखना हो क्या होता है कि आपकी रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस क्या हैं, आपको डेली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपका एज, वेट, हाइट और लेवल फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसके हिसाब से यू कैन टेक अ माइन्यूट अमाउंट ऑफ गुड हेल्दी ग्रीन टीज एंड कहवास जू, क्योंकि ये हमेशा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको फास्ट अप करते हैं, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल्स हैं उसका डेली इनटेक से भी आपकी जो सर दर्द है उसको काफ़ी हद तक काबू पाया जाता है। बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि रेड है, रेड कलर में टोमेटोज आ जाते हैं, इट्स रिच इन द लाइकोपीन, और इसका भी डेली अगर सैलड्स में या उसका एज अ जूस इस्तेमाल किया जाए तो ये भी आपको बहुत हद तक आपका जो सर दर्द है इसमें कमी वाक़ करता है। ये तमाम चीज़ें करने से आप ज़रूर सर दर्द से बच सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच जवेरिया।